एक अनफर्टिलाइज्ड मुर्गी का अंडा कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज्ड ही होते हैं। आप ऐसे कुछ लोग सोचोगे यार, लेकिन कभी कभी जब मैंने अंडा खाया था उसमें खून का एक स्पॉट देखने को मिला था, इसका मतलब वो ब्लड वेसल्स कई बार फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो खून का एक दो ड्रॉप वहां से आता है। आप ऐसे जो लोग रेगुलरली अंडे खाते हैं उन्होंने खून के निशान जरूर नोटिस किए होंगे, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं कि उन अंडों से कहीं बच्चा ना निकल जाए। हमारे सवाल की बात करें तो अब आप समझ गए होंगे, अंडा वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइज होते हैं, तो वो वेजिटेरियन है, क्योंकि इन अंडों में ना तो कोई मीट है ना ही इनसे कोई लाइफ जन्म ले सकती है। इन अंडों को दूध से कंपेयर किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का भी यही कहना था, जो इंसान दूध पीता है उन्हें इन स्टेराइल अनफर्टिलाइज अंडों से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साल 2004 में भी रिपीट किया। कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अंडा वेजिटेरियन होता है। ओवरऑल अंडा काफी न्यूट्रिशियस फूड है एक्चुअली, जिसमें प्रोटीन की काफी ज्यादा मात्रा है, विटामिन B12, B2, B5, विटामिन ए, विटामिन डी, सेलेनियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ढेर सारे न्यूट्रिशन भरे हुए हैं। यही कारण है कि एक समय पर इंडियन सरकार भी ऐड चलाया करती थी अंडा।